नमस्कार दोस्तों, आज हम इस ईयरफोन ब्लूटूथ स्पीकर को बनाना सीखेंगे। हम इन दोनों स्पीकर का यूज करेंगे। तो ये हमारा ऑन हो, जो आप देख रहे हैं ऑन हो रहा है, तो ये हमारा सही है। सिर्फ इसके दोनों स्पीकर ख़राब हो चुके हैं। तो आप देख रहे हैं ऑन हो रहा है इन दोनों का स्पीकर। ये हमारा फ्यूज स्पीकर हो गया है और दूसरे वाले में हमारा स्पीकर है ही नहीं। तो हम इसको साइड कर लेते हैं और इन दोनों स्पीकर को निकाल लेंगे। तो इसको खोलेंगे हम इस स्क्रू से। तो हम इस प्रकार इसको खोलेंगे, तो देख रहे हैं ये आसानी से खुल जा रहा है। तो इसी प्रकार हम इसको भी खोल लेंगे। तो ये हमारा खुल गया है। तो बाकी हम इस वायर को काट लेंगे क्योंकि ये वायर हमारा ख़राब हो चुका है। तो हमने इसको कट करके बाहर निकाल, इसको फेंक देते हैं। तो इसके अंदर जो वायर है इसको भी निकाल लेंगे हम दोनों में से। तो आप देख रहे हैं हमने इन दोनों को निकाल दिया है। तो इस वायर तो ठीक है, लेकिन इसमें वायर जा नहीं रहा है, इसलिए हम इसमें दूसरा वायर यूज करेंगे। तो हमने इस प्रकार एक वायर लिया है और इसमें हमने डाल लिया है। तो इसको हम एक गांठ दे देंगे जिससे हमारा वायर खींचने पर टूटे ना, नहीं तो अगर हम गांठ नहीं देंगे तो हमारा वायर खींच जाएगा गाना सुनते समय। खींच जाने से तो फिर सोल्डिंग से हमारा उखड़ जाएगा, जिससे स्पीकर एक ख़राब हो जाएगा। तो हमने इस तरह दोनों को कर लिया है और हम स्पीकर में सोल्डिंग कर लेंगे इस प्रकार। इस प्रकार हम दोनों स्पीकर में सोल्डिंग कर लेंगे। तो आप देख रहे हैं हमने सोल्डिंग कर लिया है दोनों में। तो अब हम इस प्रकार वायर को थोड़ा खींच लेंगे दोनों को, और इसे आसानी से चिपका भी देंगे। फिर तो हम इस प्रकार इसको बंद कर लेंगे। तो इसको बंद करने से पहले हम फेविकोल लगा लेंगे जिससे हमारा ये बार बार उखड़े ना, क्योंकि जरा सा भी गिरेगा ये खुल जाएगा। अब ये देख रहे हैं आप, हमने चिपका बंद को बंद कर लिया है दोनों को, कैप को। तो ये हमारा बन के तैयार हो गया है। तो हम फेविकोल को एक साइड कर लेते हैं। अब हम इस ब्लूटूथ मॉड्यूल को खोलेंगे। इस प्रकार हम चारों तरफ से साइड साइड में हम नाखून की सहायता से इसको खोल लेंगे। तो ये आप देख रहे हैं ये खुल गया है। बस इसको हम आराम से निकालेंगे बाहर को। तो आप देख रहे हैं ये हमारा निकल गया है। तो हम इन दोनों वायरों की जगह हम इस वायरों को जोड़ देंगे। तो आप देख रहे हैं हम इन दोनों वायरों को निकाल दिया और इन दोनों वायरों को इसमें सोल्डिंग करेंगे। तो सोल्डिंग करने से पहले हम इसमें से जो ब्लैक वाला ये वाला हिस्सा है इसको निकाल लेंगे बाहर। इसको हम नेल कटर की मदद से हम काट लेंगे। और इसको हम इस तरह निकाल लिया है। तो आप देख रहे हैं ये हमारा कुछ इस प्रकार हो गया है। तो हम इसको इस प्रकार से अंदर को डालेंगे वायर को। तो इस प्रकार हम वायर को डाल लेंगे। तो हमने इस प्रकार वायर को इसमें से निकाल लिया है। तो हमारा अभी इस प्रकार दिखने लगा है कुछ, आप देख रहे हैं इस प्रकार हमारा ये दिखने लगा है। अब हम इस पे थोड़ा थोड़ा फेविक क्विक की मदद से इसको चिपका लेंगे। तो हम इस पे थोड़ा सा फेविक्विक डालेंगे जिससे हमारा वायर खींचे ना।
तो आप देख रहे हैं हमने थोड़ा थोड़ा फेविक्विक डाल दिया है। इस प्रकार हम दोनों में कर लेंगे। इसमें भी हमने थोड़ा सा फेविक्विक डाल दिया है। ये दोनों बनके हमारा तैयार हो गया है। थोड़ा सा मैं और डाल दे रहे हैं। तो हमने इसमें सोल्डिंग भी कर दिया है, आप देख रहे हैं। अब हम इस सर्किट को इसमें बैठा लेंगे। तो दोनों वायर को हम इस प्रकार इसमें लगा लेंगे और सर्किट को भी इसमें अच्छी तरह से लगा देंगे। वायर को ध्यान देंगे, नहीं तो ये वायर शॉर्ट होंगे तो हमारा सर्किट भी खराब हो सकता है। तो हम वायर को इस प्रकार अंदर कर लेंगे। अब हम इसको इसमें बैठाएंगे अच्छी तरह से। इस साइड हम दूसरी साइड भी देख लेंगे, इस प्रकार हमारा वायर कहीं शॉर्ट तो नहीं हो रहा है। तो आप देख रहे हैं हमारा अच्छी तरह से लग गया है। अब हम इसमें कैप बैठाएंगे। तो हमने कैप भी लगा लिया अच्छी तरह से, चारों तरफ से दबा देंगे। तो ये आप देख रहे हैं हम इसे ऑन कर रहे हैं, ये हमारा ऑन भी हो गया है, ये चलने लगा है हमारा। तो अगर आप इस तरह से किसी भी स्पीकर को लगा सकते हैं इसमें, कोई सा भी ईयरफोन। हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें। फिर अगले वीडियो मिलेंगे। नमस्कार दोस्तों।